सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जयंती का आज दिन है, तो पार्टी की ओर से हम सब लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और पूरी पार्टी की ओर से सब लोगों की ओर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बिल्कुल गलत है, और साथ ही साथ जो अभी रिजल्ट हुआ है शिक्षकों का, उसमें तो पहले कहा जा रहा था कि डोमिसाइल नीति लाएंगे, 90% बिहार के नौजवानों को ही नौकरी मिले इस बात को सुनिश्चित करेंगे, लेकिन पहले से थोड़ी सुरक्षा भी थी उसको भी समाप्त करके ओपन फॉर ऑल कर दिया। नतीजा हुआ कि दूसरे राज्य के लोग यहाँ आकर नौकरी करने की स्थिति में हो गए और बिहार का नौजवान सड़क पर खड़ा रह गया। देखिए जिस तरह से सरकार का रवैया चल रहा है, बहुत ही एक तरह से कहिए कि नौजवानों को परेशान करने वाला रवैया। अभी कहा जा रहा है कि हम नए लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र दें, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ही से नौकरी में हैं और उनको फिर से बुला करके नियुक्ति पत्र दे करके यह दिखाना कि हम इतने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो कोई गठबंधन नाम की चीज़ नहीं है। असल में ये लोग स्वार्थ के आधार पर दोस्ती करना चाहते हैं और स्वार्थ के आधार पर दोस्ती नहीं। आप देख रहे हैं केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन किया। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं बच गया है, सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं। देखिए अभी देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रही है जहां जेडीयू अपना अलग ही कैंडिडेट उतार रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी उतार रही है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगी। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति पर कहा जो लोग अभी नौकरी में कार्यरत हैं उन्हीं लोग को नियुक्त पत्र सरकार बांट रही है। सुनिए उपेंद्र कुशवाहा ने आगे और क्या कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जयंती का आज दिन है, तो पार्टी की ओर से हम सब लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और पूरी पार्टी की ओर से सब लोगों की ओर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनको याद करते हैं तो हम लोगों को ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इतना बड़ा योगदान देश के प्रति उनका रहा है, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान उन दिनों नहीं हुआ होता तो जिस रूप में आज देश है, देश का नक्शा यह नहीं होता। तो इस योगदान को जब तक यह सृष्टि है, धरती है, तब तक याद रखा जाएगा। उनके प्रति पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है और हम सब लोग मिलकर के उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। सरकार की जो संज्ञा उनको दी है यह बात ध्यान में आ जाती है। लौह पुरुष की संज्ञा दी गई क्योंकि उस तरह का काम उन्होंने किया और शायद उस तरह का काम उन्होंने नहीं किया होता उस वक्त तो जिस रूप में आज हम अपने देश को देख रहे हैं इस रूप में हमारा हिंदुस्तान नहीं आया होता। टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था, सबको एक साथ कहीं बल का प्रयोग करना पड़ा तो उस तरह से, कहीं कूटनीति का प्रयोग करना पड़ा तो इसका भी प्रयोग, और हर तरह से प्रयास करके देश के एकीकरण का काम उन्होंने अद्भुत तरीके से किया। इस अद्भुत काम के लिए हमेशा उनको याद रखा जाएगा। जब तक यह धरती है, सृष्टि है, तब तक उनको याद रखा जाएगा। देखिए जिस तरह से सरकार का रवैया चल रहा है, बहुत ही एक तरह से कहिए कि नौजवानों को परेशान करने वाला रवैया। अभी कहा जा रहा है कि हम नए लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र दें, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ही से नौकरी में हैं और उनको फिर से बुला करके नियुक्ति पत्र दे करके यह दिखाना कि हम इतने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ जो अभी रिजल्ट हुआ है शिक्षकों का, उसमें तो पहले कहा जा रहा था कि डोमिसाइल नीति लाएंगे, 90% बिहार के नौजवानों को ही नौकरी मिले इस बात को सुनिश्चित करेंगे, लेकिन पहले से थोड़ी सुरक्षा भी थी उसको भी समाप्त करके ओपन फॉर ऑल कर दिया। नतीजा हुआ कि दूसरे राज्य के लोग यहाँ आकर नौकरी करने की स्थिति में हो गए और बिहार का नौजवान सड़क पर खड़ा रह गया। तो नौजवानों के साथ तो मजाक कर रही है सरकार। उपेंद्र कुशवाहा जी, इंडिया गठबंधन पर क्या कुछ कहेंगे? इंडिया गठबंधन है कहाँ, वही मीटिंग एक दो बार उन लोगों ने कर ली, इससे ज़्यादा कहाँ है। देख रहे हैं जहाँ जहाँ चुनाव जिन राज्यों में हो रहा है वहाँ सब लोग एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, तो कोई गठबंधन नाम की चीज़ नहीं है। असल में ये लोग स्वार्थ के आधार पर दोस्ती करना चाहते हैं और स्वार्थ के आधार पर दोस्ती नहीं होती है, दोस्ती त्याग चाहती है
और इन लोगों में त्याग की कोई बात ही नहीं। सब लोग जितनी पार्टी है उतने नेता हैं और सब नेता मन में रखे हुए हैं कि कल होकर कोई स्थिति बने तो हम प्रधानमंत्री बन जाए। तो वैसे थोड़े प्रधानमंत्री कोई बन जाएगा। कुल मिला जुला करके कोई गठबंधन इन लोगों का नहीं है, कुछ नहीं होना है जो दिख रहा है।